दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है 3D का। पिछले में हमने सिर्फ इंटरफेस के बारे में बात की थी, आज हम जो टूल है जो उनको यूज करना सीखेंगे कि ऐसे करते हैं। सबसे पहले मॉडलिंग सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे रिबन पे जो फर्स्ट है होम में मॉडलिंग यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता स्टार्ट में बॉक्स, काफी सारे जो है टूल है, शेप है, सिलेंडर है, कोन है, स्पायर, पिरामिड, विजेट, टोरस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। आप इसका शॉर्टकट भी ले सकते हैं BOX, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहां से चूज कर सकते हैं बॉक्स। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास अभी जो मैंने व्यू क्या कर रखा है, टॉप व्यू कर रखा है, 2D वायर फ्रेम कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जो हमारा व्यू है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ से साउथ वेस्ट कर लीजिए, ईस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए आपसे, ठीक है। आप यहाँ से ये करना चाहिए इस तरीके से, आपको अगर सूटेबल लगता है आप इस तरीके से करें। अगर आपको साउथ ईस्ट में लगता है सूटेबल तो आप साउथ ईस्ट करें, ठीक है। आप इसको थोड़ा इधर खिसकाएं। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लेते हैं टूल बॉक्स, यहाँ से हमने बॉक्स ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हम बॉक्स को एक क्या करना होता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कि हमें पहले एक कॉर्नर जो फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना पड़ता है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। देखिए ये तो हो गई हमारी जो रफ शेप, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ तक इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ तक ऊपर तक मैंने इसको याद ले लिया, ठीक है। ये जो मेरी एक बॉक्स की शेप ड्रॉ हो गई। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, अभी ये 2D वायर फ्रेम में है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कंसेप्चुअल या फिर रियलिस्टिक में या शेडेड में आपको रियलिस्टिक में देखें। तो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको चाहें तो कंसेप्चुअल में आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर देखिए गिज्मो अपीयर हो जाता है। ये रहा गिज्मो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से होते गिज्मो सेलेक्टेड। अब देखिए दोस्तों गिज्मो काम क्या करते हैं, गिज्मो का काम है कि आप इसको जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉक्स है, इसको किसी भी एक्सिस के ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है, जेड पे, वाई पे और एक्स पे, ठीक है। जेड वाई एक्सिस एंगल देखिए, हमारा जो जेड एक्सिस होता है वो था ब्लू कलर में, ग्रीन होता है जो वाई, ठीक है, और रेड होता है जो एक्स एक्सिस। आप इसको किसी भी साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से आप इसको देखिए, यहाँ से मूव कर सकते हैं इस साइड। आप इसको ऊपर चाहें तो आप इसको ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको, ठीक है, इस साइड कराए, देखिए जहां भी आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा गिज्मो साथ के साथ। अब गिज्मो को बंद करना था, नो गिज्मो कर दे दिए आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आपको एक नोट टाइप का पॉइंट डी मिलेगा, इसके साथ काफी सारे पॉइंट है यहाँ पे, देखिए 2-3 काफी सारे पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को टच करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो जो है आपकी शेप की हाइट जो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो विड्थ को अगर, ठीक है, यहाँ से आप इसको करेंगे तो आपकी जो विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी जो ये यहाँ से है, ठीक, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको वापस कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूसरा जो इसी का एक, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो जो सारे टूल हम लेंगे, ड्राइंग जो भी बनाएंगे, वो सारे इस तरीके से आपके काम करेंगे, ठीक है। सेकंड में फिर से एक बॉक्स लेता हूँ, अब की बार मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स का जो हम मैनुअल साइज देखे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमें क्या कहता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका जो कॉर्नर है वो कितना लेना चाहते हैं। अभी हमने देखिए जो लिमिट है वो नहीं लगा रखी, तो हम सेंटीमीटर पे ही काम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 15 का, ठीक है, ओके कर एंटर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए, सॉरी मैंने जो एक वो था टैब बटन, चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट, आप यहाँ से भी फर्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ, चलिए 20 का देता हूँ, 20 का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो आप कोमा दबाएं, ठीक है, या आप टैब बटन प्रेस करें, उसके बाद फिर से आप 20 कर दें और एंटर कर दें, देखिए, ठीक है, ये अपना जो एक्यूरेट साइज है वो ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी जो हाइट है वो कैसे बढ़ाते हैं, हाइट भी आप उसको 20 की दे दी, एंटर कर देते। देखिए दोस्तों, तो हमारा जो ये बिल्कुल स्क्वेयर बन चुका है। तो इस तरीके से आप मैनुअल हाइट देके, मैनुअल जो उसको साइज देके भी बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आगे बात करेंगे अब हम, हमारे जो नेक्स्ट टूल है वो है
सिलेंडर, अगर आपको सिलेंडर भी बनाना है तो दोस्तों देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट तो देखिए, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो फर्स्ट पॉइंट आपको उसका स्पेसिफाई जो है करना पड़ेगा। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पे आप 5 की जो उसकी विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है, फिर टैब पे क्लिक करेंगे, फिर जो ठीक है, और फिर आप ऊपर की तरफ जितनी हाइट इसकी रफली लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी हाइट जो है 20 एंटर करते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा वो है कौन से, अगर आपको कौन से बनानी है, आप स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट टू ऑफ बेस, आप जो इसका सेंटर पॉइंट लीजिए, आप बेस का जो सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहां तक हमने ले लिया, हम देखते हैं इसको 12। ठीक है, अब जो हाइट है इसकी हम कितने देना चाहते हैं वो हम यहाँ तक कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं 15। देखिए तो दोस्तों इस तरीके से जो शेप की जो कोन है वो भी आपको जो सॉरी कोन की जो शेप है वो हो जाएगी। एक होता है स्फीयर, आप देखिए आप इनको रफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, साइज के हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए मैं रफ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हमारा जो इसके अंदर है पिरामिड। अब देखिए पिरामिड की पहले क्या होगा, साइज जो उसके उसको स्क्वायर साइज होगा वो आप देखते हैं, अब आप इसकी हाइट साइज देखते हैं, सिक्स जितना भी आप देना चाहें। देखिए इस तरीके से आप इनको जो है ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा मैं छोटा साइज कर लेता हूँ इनका ताकि आपको सारे दिखें। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है वेज। अब देखिए दोस्तों वेज एक इसको हम टेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, विड्थ कीजिए, इसकी हाइट दीजिए और देखिए। ठीक है, टेपर एंगल में भी होता है ये। ठीक है, इसको वेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो है टोरस। अब टोरस जो होता है हमारा बीच से बिल्कुल खाली होता है साइड में, देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है 3D के फर्स्ट टूल मॉडलिंग में सेक्शन में जो है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब गिज़मो से हम किसी भी टूल को हम सेलेक्ट करें, किसी भी टूल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं गिज़मो लेता हूँ। देखिए इसके ऊपर गिज़मो अपीयर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहीं भी देखिए यहाँ मैं इसको डालना चाहता हूँ, इसके सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा गिज़मो के साथ मूव कर सकते हैं इस टूल को। ठीक है, आप इसको चाहें जो कोई भी सिलेक्ट करें टूल को, इस टूल को आप सिलेक्ट करें, आप इसको थोड़ा सा इधर उधर लें, आपका जो टूल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको क्लिक कर कीजिए, देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है 3D के जो मॉडलिंग टूल है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज हमारा जो चैनल है लेट्स टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।